नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनेक आर्यन। सबसे पहले किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा में कोरोना से लड़ाई में खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, फसल बेचने वाले किसानों और सहायकों को मिलेगा 10 लाख का मेडिकल कवरेज। आरती मजदूर और मंडी के कर्मचारी भी होंगे शामिल। लॉकडाउन से जूझ रहे किसानों के सामने एक और संकट का साया, जैसलमेर के तनोट बबलियान इलाके में दिखा टिड्डियों का दल। जाड़े में टिड्डियों ने राजस्थान, गुजरात और पंजाब में मचाई थी भारी तबाही। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा किसानों की मुश्किलों का दौर। हरदा के खरीद केंद्रों पर तौल में धांधली करने के आरोप। विदिशा में प्रशासन की लापरवाही से मंडी के बाहर लगी कई किलोमीटर लंबी लाइनें। साग सब्जियों से लेकर चाय और पान तक पड़ा लॉकडाउन का असर। छूट के बावजूद चाय उत्पादकों के सामने बिक्री का संकट। खेतों में ही सड़ रहा है रीवा का मशहूर पान। कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज में जुटे डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्टाफ को सरकारें बीमा सुरक्षा दे रही हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों और उनके साथ के अन्य लोगों की 10 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज देने का फैसला किया है। इससे अनाज खरीदने के लिए मंडी में आने वाले किसानों को सुरक्षा मिल सकेगी। इस बीच हरियाणा के किसानों ने गेहूं की खरीद में बाधा बन रहे आढ़तियों को दरकिनार करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हड़ताली आढ़तियों की जगह अब पंचायतों और किसान उत्पादक समूहों यानी FPOs को गेहूं खरीद में शामिल किया है। इसके अलावा आढ़त के नए लाइसेंस तत्काल जारी करने का भी फैसला किया है। दरअसल राज्य के आढ़ती किसानों को गेहूं का पैसा सीधे भुगतान करने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे किसानों को एडवांस में दिया गया उनका पैसा फंस जाएगा। इस पर क्या कहना है स्थानीय किसान नेताओं का, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ विकल पचार जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हरियाणा से। विकल जी, ये बताइए, ये जो फैसला लिया गया है भले ही देरी से लिया गया हो, लेकिन क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? जी मैडम, बिल्कुल सही। हरियाणा सरकार द्वारा यह सही फैसला काफी देरी से लिया गया है। अगर यही फैसला फसल खरीद, सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उस समय यदि यह फैसला ले लिया जाता, तो ना तो सरसों और गेहूं की खरीद में जो हरियाणा सरकार की फजीहत हुई है वो फजीहत होती, ना ही जो देश का अन्नदाता है उसे अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की जो ठोकरें पिछले लगभग 6-7 दिनों से खा रहा है वो ठोकरें भी नहीं खानी पड़ती। फैसला ये बिल्कुल सही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह हरियाणा सरकार द्वारा आढ़तियों से बातचीत का लंबा दौर चलाने के बाद देर से लिया गया फैसला है। यही फैसला अगर समय पर लिया जाता तो निश्चित तौर पर यह किसान और ग्रामीण हितैषी होता। अब लास्ट मिनट पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत को खरीदी में इन्वॉल्व करने की बात कही है, क्या ये संभव है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि फैसला तो देरी से लिया गया है, लेकिन अब भी अगर आढ़ती और जिस प्रकार से सरकार ने अंतिम समय में आढ़तियों को हटाकर FPO और सरपंचों के जरिए सरकारी खरीद की गेहूं की घोषणा करी, तो आप कल के अंदर ही देखें जो लगभग हरियाणा के 70% आढ़ती हड़ताल पर थे वो एकदम सरकारी खरीद पर वापिस आ गए बिना अपनी शर्तों के। तो बिल्कुल ये खरीद FPO और ग्राम पंचायत के जरिए बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए ग्राम गांव के अंदर पिछले लॉकडाउन के दौरान जो मनरेगा मजदूर है उनसे कुछ काम नहीं लिया जा रहा। हर एक गांव में मनरेगा मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, तो ग्राम पंचायत यदि चाहती तो लेबर की जगह मनरेगा मजदूर, इसी प्रकार FPO जो हैं वो बिल्कुल मनरेगा मजदूरों की सहायता से या अपने गांव की लेबर की सहायता से ये कार्य बिल्कुल हम संभव कर सकते हैं। कल भी सरकार को हमारी बातचीत में हमने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें और सभी हमारे क्षेत्र के FPO बिल्कुल इस काम को कल सुबह से हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सभी आढ़ती जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जब उन्हें लगा कि उनकी ठगी बंद होने वाली है तो वो सभी हड़ताल छोड़कर दोबारा काम पर वापिस आ गए। हरियाणा में कई किसान नेताओं ने इस तरह के आरोप भी लगाए कि चावल की खरीदी में जो धांधली हुई पीछे, उसी तरह की धांधली आगे भी देखने को मिल सकती है। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम जारी रहा खरीद का, तो इससे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन अब जब FPOs और पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये खतरा क्या वहाँ पर सामने तो देखने को नहीं मिलेगा? देखिए मैडम, जो आप ऑनलाइन की बात कर रही हैं, तो पिछले साल भी चावल की खरीद का सभी रिकॉर्ड मेरा फसल मेरा ब्यौरा में ऑनलाइन दर्ज था,
लेकिन आढ़तियों का, अधिकारियों का और दूसरे स्टेट के व्यापारियों का नेक्सस इतना मजबूत है जिसे हरियाणा सरकार बिल्कुल नहीं तोड़ पाती है, जिसके कारण जो हरियाणा में पीछे धान घोटाला आपने देखा कि हरियाणा में धान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने बाहरी राज्यों से कम रेट पर खरीद कर और धान की पैदावार 75 क्विंटल प्रति एकड़ तक दिखाने का काम किया, जो एक बहुत बड़ा घोटाला था। दूसरा है कि यदि FPO और ग्राम पंचायत ये काम करेंगे तो इसमें घोटाले की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें जो अन्न उगाने वाला किसान है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा, दूसरा यदि ग्राम पंचायत भी ऐसा करती है तो उसके दूसरे राज्यों के व्यापारियों के साथ संबंध नहीं है, उसका अधिकारियों के साथ नेक्सस नहीं है, और जब ग्राम पंचायत के जरिए खरीद होगी तो ग्राम का प्रत्येक किसान ग्रामीण उसमें इन्वॉल्व होगा, वो उसके ऊपर निगाह और नजर रखेगा, जबकि जो आड़ती करते थे उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस था, मध्य प्रदेश से सस्ता चावल लेना, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार का सस्ता चावल लेकर वो डाल देते थे, वो FPO और पंचायत लेवल पर संभव नहीं है। तो इसलिए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि आगे से चाहे चावल की सरकारी खरीद हो, सरसों की हो, चने की हो, सनफ्लावर की सरकारी खरीद हो, जो भी चीजें सरकारी MSP के तहत आती है उन फसलों की सरकारी खरीद के लिए FPO और ग्रामीण पंचायत को यदि आप शामिल करोगे तो ना केवल घोटालों की संख्या कम होगी बल्कि गांव के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसान जो है वो अपनी फसल का बिना काट के उचित मूल्य पाएगा और इससे देश की ग्रामीण जो सभ्यता है उसके अंदर किसानों को व्यापार की भी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे कि किसान स्वावलंबी होगा। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और आगे भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि रबी और खरीफ की फसल के सीजन में आप FPO और ग्राम पंचायतों के जरिए खरीद कराएं, इन बिचौलियों को बीच में हटाकर किसानों को जो लगातार ठगी हो रही है उस ठगी से बचाएं। जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हरियाणा सरकार के इस फैसले का FPO सेक्टर यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काम करने वालों ने भी स्वागत किया है। इससे किसानों को बिचौलियों की मार से बचाने और किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत दिलाने में मददगार माना जा रहा है। इससे ग्राहकों को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि बिचौलियों की वजह से आने वाली महंगाई को रोका जा सकेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं, पुनीत सिंह धिंट, जो कि नॉर्दर्न फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। ये एक तरह का कंसोर्शियम है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये बताइए पुनीत जी कि जो हरियाणा सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि अब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सामने आ सकते हैं और जो खरीद की ये प्रक्रिया है उसको आसान बनाएंगे, इसमें किस तरह की आप भूमिका देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs, क्योंकि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार, अलग अलग राज्य अपने तरीके से किसान उत्पादक संगठन अपने अपने राज्य में बना रहे हैं। उत्तर भारत में खासतौर पर हरियाणा ने इस दिशा में पिछले कई सालों में काफी अच्छा काम किया है और इस समय तकरीबन 500 के आसपास जो FPOs हैं वो हरियाणा में रजिस्टर्ड हुए हैं। और इस कोरोना के मुश्किल दौर में भी राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद, सरसों की खरीद और दूध, सब्जियां, फल, इन सभी चीजों की सप्लाई के लिए FPOs को खास तौर पर परमिशन दी हैं, जो FPOs को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। जी, इसमें एक और क्लैरिटी चाहेंगे, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो प्रॉफिट होगा या कमाई होगी उसका किस तरह से बंटवारा होगा FPOs में, एक तो ये समझाएं, और ऐसे में ये किसानों के लिए कितना बढ़िया अवसर है। अनिका जी, जहां तक FPO में होने वाले लाभ और उसको बांटने का सवाल है, जब हम FPO की बात करते हैं ज्यादातर हम बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में, और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक हाइब्रिड है कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो इसीलिए इस संस्था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में लाभ बांटने के लिए जो बेस या आधार लिया जाता है, ये भी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें पूंजी धारक जो इसमें शेयर होल्डर हैं और जो किसान FPO से जुड़े हुए हैं अपनी फसल उपज का इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम पैट्रोनेज कहते हैं। तो इन दोनों को आधार बनाकर ही लाभ का जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड किया जाता है। इसलिए FPO ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो हाल फिलहाल हमारी नज़र में एक ऐसा मॉडल है जहां फार्मर का कंट्रीब्यूशन और उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके मेंबर्स में बांटा जाता है।
उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात आई, स्पष्ट निर्देश आए कि एफपीओस के जरिए किसान अपने अपनी फसल बेचें। अब हरियाणा में भी एफपीओस को इतनी पावर दे दी गई है, ये बताएं कि क्या उस तरह का तंत्र विकसित है और जो दूर दराज के किसान हैं वो इस वक्त किस तरह से एफपीओस का दामन थाम पाएंगे और अपनी फसल ठीक तरह से बेच पाएंगे। अनिका जी, किसी भी नए मॉडल को बाजार में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद एफपीओस ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा काम किया है और सरकार की जो एफपीओ से अभी उम्मीद है कि प्रक्योरमेंट या खरीद का जो काम है वो एफपीओस के थ्रू हो, इसके लिए एफपीओ मेंटली तैयार भी हैं और काफ़ी अच्छा काम प्रक्योरमेंट का कर भी रहे हैं। जो चैलेंज फिलहाल एफपीओस को या हमारे सामने है वो ये है कि हर ब्लॉक में हमारे पास एक से दो एफपीओ ऑन एन एवरेज हैं, जबकि जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है, उसको खरीदने के लिए बहुत सारी पूंजी की, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ लोकल लेवल पे जो एग्रीगेशन है वो नहीं हो पा रही, छोटे किसान अभी तक इकट्ठे नहीं हो पा रहे और ये छोटे किसान किसी ना किसी अपने नज़दीकी एफपीओ से अभी तक नहीं जुड़े। सो जो सरकार का, भारत सरकार का 10,000 एफपीओ का अभी जो लक्ष्य है वो सीधा इन क्लस्टर्स पे, ऐसे गांवों पे टारगेट होना चाहिए कि जो किसान इस वैल्यू चेन से या सप्लाई चेन से अभी तक नहीं जुड़ सके उनको सबसे पहले, छोटे किसानों को और खासकर जो दूर दराज के गांवों के किसान हैं उनको सबसे पहले जोड़ा जाए ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ सके। एफपीओज में क्या गारंटी होती है कि जो किसान है उसका शोषण नहीं होगा, जिस तरह से मंडी में भी बिचौलियों का एक कार्टल काम करता है और अंततः किसान को फायदा नहीं मिलता, अब एफपीओस में क्या इस तरह की दिक्कतें तो नहीं देखने को मिलेंगी? देखिए, एफपीओ एक किसानों की अपनी संस्था है जिसे हम कहते हैं कि किसान उत्पादक संगठन, किसानों की, किसानों द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक संस्था है। तो इसमें किसान खुद इसको सिलेक्शन करते हैं कि उनकी मैनेजमेंट में कौन होगा, कौन इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, कौन इसका रोजमर्रा का काम देखेगा। तो अगर ये सक्षम हाथों में है, जिनकी मंशा क्लियर है, ईमानदारी से वो किसानों के साथ किसानों के लिए काम करना चाहते हैं तो काफी हद तक ये गुंजाइश रहती है कि इसमें किसानों का शोषण नहीं होगा। दूसरा, जहां तक मेंबर्स का जो इससे जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने अधिकार, उनको अपने कंपनी एक्ट की वर्किंग या एफपीओ की वर्किंग की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। शोषण होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है वो अज्ञानता है। अगर वो किसानों को, चाहे वो एफपीओ में हो चाहे एफपीओ से बाहर हो, अगर वो अपने अधिकारों से अपनी, उनको इस बुनियादी चीजों की जानकारी नहीं होगी तो उनका शोषण कहीं भी हो सकता है और एफपीओ कोई ऐसी गारंटी नहीं देता मॉडल कि इसमें किसानों का शोषण नहीं हो सकता। ये सारा उनकी वर्किंग, उनकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, जिसको हम अक्सर कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन। तो अगर ये सही हाथों में है तो किसानों का जो शोषण है वो उससे बच सकते हैं। शुक्रिया पुनीत जी इन अहम जानकारियों के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में गेहूं और रबी की दूसरी फसलों की खरीद में लापरवाही और धांधली की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। हरदा जिले में सरकारी खरीदी में किसानों के साथ धांधली किए जाने का मामला सामने आया है। वहां किसानों से प्रति बोरी 1 किलो से 2.5 किलो तक ज्यादा अनाज खरीदा जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर किसान नेता केदार सिरोही ने मौके पर पहुंचकर अफसरों को जानकारी दी और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। ये मेहनत करते हैं और इस हरदा में जैसे में अगर ये चोरी हो रही है तो फिर मध्य प्रदेश का अनुमान लगा लो। यहाँ सबसे मजबूत नेता है, सबसे मजबूत किसान है, लड़ने वाले लोग, उसके बीच में तो चोर ले जा रहा। तरह सेटिंग करते हैं, चोरी बड़े लेवल पे है हरदा में, पर आज से आप सबकी जागरूकता से ये खत्म होगी। वहीं विदिशा में 6 किसानों की जगह एक खरीद केंद्र पर 25 से 30 किसानों को फसल खरीद का मैसेज भेजने का भी मामला सामने आया है। इससे खरीद केंद्र पर ट्रॉली ट्रैक्टर की 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। पंजाब में एक तरफ मौसम के बिगड़े मिजाज से फसलों की कटाई में परेशानी हो रही है तो दूसरी तरफ खरीद केंद्रों पर भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खरीद केंद्रों पर गेहूं में नमी की तय मात्रा से उसको ज्यादा बताकर तौल करने से इनकार किया जा रहा है। इसके अलावा किसान मंडियों में सैनिटाइजर्स और दूसरी जरूरी सुविधाएं ना होने की भी शिकायतें कर रहे हैं। पिंडों चेक करके ले आए हैं अपनी मशीन खुद।
ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ 12 ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ 13.5 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਏ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਊਗਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਆਈਦਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾਸ ਆਜਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਣਕ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਆਵੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਕਣਕ ਆਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਪਕਾ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਡਿਆ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 40 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ सरकार ने भले ही शुरू से खेती किसानी और अनाज की ढुलाई को लॉकडाउन से छूट दी हुई है लेकिन सच्चाई यही है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी सप्लाई चेन चरमरा गई है। एक तरफ किसान फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकी मांग में भी गिरावट आई है। इसकी वजह है कि कमाई बंद होने से लोगों के पास फल सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और जिन लोगों के पास पैसे हैं वो भी बहुत सीमित खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद फल सब्जी में ही किसानों को 20,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। इसमें डेयरी और पोल्ट्री उद्योग को हुए नुकसान का आंकड़ा शामिल नहीं है। फसल खराब हो गया, मूली 1.5 एकड़ में लगाए थे सब खराब है, पालक मेथी था सब खराब है, कोई आता नहीं लेने के लिए, ना क्या कहता दवाई मिलता ना खाद मिलता और जाता भी कहीं से पुलिस वाले मारता इसलिए घूम के चला आता ना कुछ मिलता है इसलिए खराब हो गया। पैसे होगा 50,000 कम से कम लगता है उसमें, अगर बिक जाता था 50,000 से ऊपर जाता है नीचे ना यानी नीचे से नीचे 50,000 का। हाँ जी बाहर का दिल्ली है अच्छा एमपी में बेहतर है इंदौर है अच्छा उधर जाती थी सब्जी तो इस बार नहीं जा पा रही तो पर बीघा कितना नुकसान हो रहा है हमारा कम से कम पर बीघा कम से कम 2 लाख का नुकसान है बीघा का अच्छा इतना नुकसान हो रहा है। साग सब्जी और फल उगाने वाले किसान ही नहीं बल्कि चाय और पान की खेती करने वाले किसान भी लॉकडाउन से बेहाल हैं। उन्हें अपनी आमदनी और खेती में लगी पूंजी डूबती दिखाई दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चाय के बागानों में ये हलचल लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद शुरू तो हो गई है लेकिन चाय उद्योग की मुश्किलें बिल्कुल भी कम नहीं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की मशहूर चाय का जायका तो पहले जितना ही कड़क है लेकिन चाय उत्पादकों के चेहरे की रंगत फीकी पड़ती जा रही है। इन्हें मजदूरों की कमी के अलावा चाय की गिरती बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या परेशान कर रही है। हमारी जो अप्रैल की चाय है इसकी इंटरनेशनल यूरोप मार्केट में बहुत डिमांड होती है और कलकत्ता में भी बहुत डिमांड होती है लेकिन जैसे अभी महामारी यूरोप में फैला हुआ है, यूरोप तो पूरा बंद है तो हमें ये सारी की सारी चाय कलकत्ता ही भेजनी पड़ेगी जहाँ पे ये ऑक्शंस में बिकेगी लेकिन ट्रकों की अभी तक मूवमेंट शुरू नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारी चाय सब की सब यहाँ पे रुकी हुई है, हम लोग इसको बेच नहीं पा रहे हैं। कितना नुकसान हो जाएगा अगर चाय अगर कुछ दिन और लेट होती है तो हमें कम से कम 30-40% का कैश रेवेन्यू का लॉस होगा। कांगड़ा के चाय की देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी खासी मांग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश के रीवा का पान कई देशों तक जाता है। लेकिन पान उत्पादक किसानों को ट्रांसपोर्ट की किल्लत और मंडियां बंद होने के अलावा इसका निर्यात ठप होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन करीबन 25 दिन हो रहा है, हम लोग पर डे अगर बरेज से पान लेकर जाते हैं मंडी में ना बेचे तो हम लोगों को 1,000 रुपए का पान नुकसान होता है। इस तरह से 25 दिन में एक किसान का अगर ले तो 20-25 हज़ार की नुकसान हो चुकी है। जो लोग बेरोजगार हैं मजबूर हैं वही लोग पान बरेज किए हैं, फिर भी आज ऐसी समय आ गई है कि वो जो पान लगाए भी हैं तो उनको मंडी में लेने वाला कोई नहीं इस कोरोना की वजह से। इस बीच मौसम के बिगड़े मिजाज ने भी किसानों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। एक तो पान की बिक्री नहीं हो रही है, दूसरा बारिश ज्यादा होने से रहा सहा पान भी सड़ जाएगा। इन किसानों की हालत देखकर साफ है कि सरकार इनकी मदद के लिए अलग से रणनीति बनाए ताकि इससे जुड़ी रोजी रोटी को बचाया जा सके। मध्य प्रदेश के रीवा से सचिन चौधरी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एक तरफ देश में कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले टिड्डी दल के हमले का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा से लगे तनोट बबलियान इलाके में टिड्डियों का नया दल देखा गया। जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस दल को तत्काल नष्ट कर दिया है। हालांकि मई में इसके सक्रिय होने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टिड्डियों का प्रजनन जारी है। बीती सर्दियों में टिड्डियों का दल राजस्थान से आगे बढ़कर गुजरात और पंजाब तक पहुंच गया था। इससे किसानों को रबी की फसलों में नुकसान उठाना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए प्रशासन ने सीमाई इलाकों में टिड्डियों की सूचना देने वाले कंट्रोल रूम को बनाने की बात कही है ताकि इससे जल्द से जल्द निपटा जा सके। कंट्रोल रूम एक तो हम जिले पे बनाएंगे, एक एलसीओ में और सारे एसडीएम हेडक्वार्टर्स पे, वो हम आजकल में कंट्रोल रूम स्थापित करते हैं। टिड्डी आती है तो पता तो लग जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि टिड्डी जैसे ही एंटर करे अगर उसी टाइम पता लग जाए तो हम उसको उस एरिया में ट्रीट कर सकते हैं जहाँ खेती नहीं होती। नहीं तो एक बार वो रामगढ़ मोहनगढ़ इस बेल्ट तक पहुँच जाती है तो फिर खेती वाला एरिया आता है, उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसी को देखते हुए अभी हम बीएसएफ के साथ यही बात कर रहे हैं कि आपके पास जैसी सूचना आए आप तुरंत हमें बताएं। अभी भी जो हुआ था वो बबलियान पे जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो बबलियान बॉर्डर पे जाके ही एलसीओ की टीम्स ने ट्रीटमेंट किया तो बॉर्डर से आगे नहीं आ पाए। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अनिल चंगानी जी जुड़ गए हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से। अनिल चंगानी जी स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये इस बार फिर से जैसलमेर में टिड्डियों के हमले की आशंका जताई जा रही है। देखा गया कि तनोट इलाके में छोटे छोटे स्वार्म्स टिड्डियों के देखे गए, क्या कहेंगे इस वक्त कोरोना के संकट के बीच किस तरह की मुस्तैदी की जरूरत है कि वक्त रहते इन पर कंट्रोल पाया जाए? ऐसा है कि इस बार मेरे ख्याल से इतिहास का सबसे बड़ा स्वार्म आया और काफी लंबे टाइम तक थार डेजर्ट में गुजरात में करीब 4-6 महीने तक वो स्वार्म टिका रहा था और उस दौरान कई सारी उनकी छोटी छोटी पॉकेट पॉपुलेशन अभी भी आइसोलेशन में बची रह गई क्योंकि जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है, जिस तरह से कैनाल का इंट्रोडक्शन थार डेजर्ट में हुआ है, जो पानी का स्प्रेड हुआ है, जिस तरह से एक्जोटिक प्लांट स्पीसीज जैसे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा है, इनका भी वेजिटेशन आसपास खूब हुआ है एंड दैट मेक्स एन आइडियल हैबिटेट फॉर द लोकस्ट। तो आप इस सब के बीच क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, जिस तरह के वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं नमित मेहता जी का कहना है कि पॉसिबिलिटी है एक अच्छे खासे अटैक की मई में, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सूचित कर दिया गया है और इसके लिए जल्द ही प्रोटोकॉल तैयार होगा कंटेन करने के लिए, मगर इसमें क्या करने की जरूरत है, युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है ताकि कोई और लापरवाही सामने ना आए, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों भी किसान भाइयों को बहुत ही जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए अभी जो कोरोना संकट आया हुआ है उसमें मैं नहीं सोचता है कि उसमें कोई बीएसएफ से अप्रोच करने का जरूरत है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अप्रोच करने का। इसके लिए लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑफिसेज है और उनका हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न जोन का है वो जोधपुर में है और उसी डिपार्टमेंट को रिग्रस सर्वे, इमीडिएट सर्वे स्टार्ट कर देने चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके, विलेज पंचायत के साथ मिलके, और अपना रेगुलर विजिट फील्ड में करना चाहिए और पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करके ब्रीड करके वो स्वार्म बाहर निकले उससे पहले ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए पिछली बार भी जिस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया उस पर सवाल उठे थे क्योंकि काफी देरी से जागे और लीथल कॉम्बिनेशन जो है पेस्टिसाइड्स का उसका इस्तेमाल किया गया, अब आप किस तरह का सुझाव सामने रखना चाहते हैं? ना मेरे ख्याल से इसमें जो वर्ल्ड ओवर आइडेंटिफाइड जो लीथल हो चाहे वो जैसे भी पेस्टिसाइड वो आइडेंटिफाइड है, हाँ इसमें कोऑर्डिनेशन हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ब्रीडिंग साइट्स हैं वहां पे चूंकि लोकस उसकी डाइट का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, कई सारे रेप्टर्स है, कई सारे शेड्यूल वन की बर्ड्स की स्पीसीज है जो इनके ऊपर सर्वाइव करती है, कई सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो इनको खा के सर्वाइव करते हैं लोकस को, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम में जो उसको प्रीडेट करते हैं, जो उसके नेचुरल प्रीडेटर हैं, ऐसा नहीं होगा हम जो पेस्टिसाइड डालें उससे वो मर जाए। तो इसमें कॉम्बिनेशन को ऐसा करना पड़ेगा कि इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा वन विभाग के साथ में, वन विभाग को ये बोलना पड़ेगा कि हम आज सुबह
अर्ली मॉर्निंग इस इलाके में स्प्रे करेंगे, तो आप हमें आइडेंटिफाई करके वो इलाके बता दो जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ब्रीडिंग पॉपुलेशन है या जहाँ उनकी आबादी है, जहाँ पे कोई रैप्टर स्पीसीज है या शेड्यूल वन की प्रजाति रहती है, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। एंड एट मेनी एरियाज दे डिड दैट इन द पास्ट, लेकिन अभी जो कोरोना संकट है उसमें प्रशासन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इनको बोलना पड़ेगा कि आप, क्योंकि जो स्प्रे करने वाली टीम है उसका एक लिमिटेशन है, वो अपने साथ लाखों गैलन पेस्टिसाइड लेके निकलता है, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सिर्फ उस पॉइजन का कंट्रोल करना होता है, वो किसी लोगों के भरोसे उसको पब्लिक के टच में आने से बचाने के लिए वो खाली अपने उस पॉइजन कंटेनर को ही कंट्रोल कर पाते हैं। और उनका जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे, रात रात भर फील्ड में रहते हैं, मॉर्निंग उनकी प्लानिंग होती है 4-5 है जब लोकस जमीन पे टिका रहता है, दिन होने से तो वो पो फटने के बाद तो उड़ जाता है सवेरा होने के बाद, उसको उससे पहले ही स्प्रे करके मारना होता है। एंड उनका एक लिमिटेशन है, जो स्टाफ की लिमिटेशन है, वो कहते हैं साहब स्प्रे करके हम ये उसका आफ्टर इफेक्ट ऑब्जर्व करने या हम नहीं जा सकते, इसके लिए तो या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए या कोई और अथॉरिटी को गवर्नमेंट इसमें मॉनिटर करने के लिए हमारे साथ लगा ले। जी, यानी कुल मिला के स्थिति यह है कि रिग्रस फील्ड वर्क करने की जरूरत है, इमीडिएट सर्वे हो और वॉर फुटिंग पर इसमें काम हो और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनमें एक अच्छा तालमेल हो ताकि ये जो विपदा है ये और बड़ी हो, भयंकर बने, उससे पहले ही उस पर काबू पाया जा सके। जी, अभी जो स्टॉक बचा हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कम, अभी पूरी आबादी जो पिछला स्प्रे हुआ था उसमें मरी नहीं है, ये वो डिपार्टमेंट के लोग खुद बताते हैं। और इस बार पूरी आबादी कैनाल के आसपास के इलाकों में कई जगह पॉकेट्स में बची हुई है जहाँ पे अनअप्रोचेबल रोड्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, व्हीकल्स वहां जा नहीं सकते, तो इसलिए सर्वे करने के लिए या तो आप ऊंट यूज करेंगे या कोई एरियल सर्वे करें या ड्रोन के थ्रू सर्वे करें, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, तो हमें इसको इमीडिएट आइडेंटिफाई करके वहां पे एक्शन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस इनसाइट के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।